अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम को कंप्लीट स्टडी करना है, साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक एंड टिन को हम स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। तो कल हमने पढ़ लिया था कि क्रोमियम के केस में हम जो सेल डेवलप करते हैं वो किस तरह से डेवलप करते हैं, कि हम क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। एनोड हमारा जो है वो किससे बना होता है, क्रोमियम से बना होता है, एंटीमोनियम लेड का बना होता है और उसके ऊपर जो है वो क्रोमियम कोट किया होता है, ठीक है। और जो हमारा कैथोड होता है उसके ऊपर जाके क्रोमियम ने डिपॉजिट होना होता है, ठीक है। वो कैथोड हमारे पास कोई भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। अब इसकी इक्वेशंस को देखें, सबसे पहले क्या होगा कि जो क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन है ये फार्मूला है Cr2SO4 थ्राइस वाटर के अंदर, ठीक है। जब इसको डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये आयोनाइज करेगा, Cr3+ देगा और साथ में SO4 2- दे देगा। उसके बाद रिएक्शंस क्या हो रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि ये हमने क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्यूशन के अंदर जब क्रोमियम सल्फेट आयोनाइज करेगा तो वाटर के भी आयंस मौजूद हैं। अब वाटर का आपको पता है कि एक एच पॉजिटिव का आयन होता है और एक OH- का आयन होता है। ये OH- का आयन क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है, रिलीज़ करता है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर देता है तो क्या बनाता है, वाटर का, दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और साथ में चार इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, ठीक हो गया। फिर कैथोड के ऊपर जो हमारे पास क्रोमियम प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वहाँ पर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। Cr3+ है यानी इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तीन इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा और Cr में चेंज हो जाएगा। फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस द स्टील इज़ यूजली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल और कॉपर एंड देन बाई क्रोमियम, यानी अगर हमने स्टील के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करवानी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टील के ऊपर जो है वो हम क्रोमियम की कोटिंग नहीं करवाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि पहले स्टील के ऊपर या तो निकल की कोटिंग करवाएंगे या कॉपर की करवाएंगे और उसके बाद क्रोमियम की करवाएंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टील के ऊपर क्रोमियम की करवाएंगे तो उसकी जो एडहेरेंस होगी, एडहेयर का मतलब होता है चिपकना किसी चीज़ के साथ, तो वो इतना अच्छी तरह से उसके साथ चिपकेगा नहीं, ठीक है, ऑन द स्टील सर्फेस। मोर ओवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट। इसके अलावा जो है अगर हम डायरेक्ट कोटिंग करवाते हैं क्रोमियम की स्टील के ऊपर तो उसमें से क्या होगा कि मॉइस्चर पास करता जाएगा, तो अगर मॉइस्चर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, इस तरह तो रस्ट भी उसको ईजिली लग जाएगा। एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ, और मेटल वहाँ से क्या होता है, जहाँ जहाँ पानी उसका जाता जाता है वहाँ से मेटल उखड़ना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। द निकल और कॉपर, निकल और कॉपर क्या करते हैं, क्या एडवांटेज होती है कि एक तो वो एडहेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी आपने स्टील के ऊपर पहले निकल की कोटिंग करवा दी या फिर कॉपर की कोटिंग करवा दी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉपर की कोटिंग करवाते हो तो निकल और कॉपर क्या करते हैं कि क्रोमियम को स्टील के साथ जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि जिस तरह अगर आपने दो चीज़ें जोड़नी हो, ठीक है, दो ऐसी चीज़ें जो आपस में जुड़ नहीं सकती, तो उनको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, आप सेंटर में गम लगा दोगे, तो वो जो गम है वो निकल या कॉपर होगी इस केस में, ठीक हो गया। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो ये कि इसमें कोरोजन रेजिस्ट करती है कोरोजन को, यानी उसके खिलाफ होती है, कोरोजन नहीं होने देती, एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस टू द ऑब्जेक्ट। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम की कोटिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि ब्राइट सिल्वरी कलर आ जाता है, उसकी अपीयरेंस खूबसूरत हो जाती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। अच्छा, ये जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक एंड टिन, ये है तो बहुत शॉर्ट से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ठीक है। द टारगेट मेटल, सबसे पहले आप करते क्या हो कि जो आपका मेटल है जिसके ऊपर आपने कोटिंग करवानी है उसको बोलते हैं टारगेट मेटल, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, पहले क्लीन करोगे किसी भी अल्कलीन रिएजेंट के अंदर, ठीक है। अल्कलीन रिएजेंट यानी किसी भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, सपोज आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले उसको वॉश करोगे और फिर क्या करोगे उसके एसिड के साथ ट्रीट करोगे, फिर पहले बेस के साथ उसको वॉश करोगे, फिर आप उसको एसिड के साथ वॉश करोगे, ठीक हो गया। फिर उसके इस तरह क्या होगा कि उसके सरफेस के ऊपर जो भी इम्प्योरिटी है या जो भी रस्ट है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो बेस के साथ जिन्होंने जो बॉन्ड बना सकते होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, बेस के साथ निकल जाएंगे, और जो एसिड के साथ बना सकते होंगे वो एसिड के साथ निकल जाएंगे, बाकी आपके पास जो है वो क्लीन सरफेस बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, आपके जिंक को डिपॉजिट करवाएंगे मेटल के अंदर, किस तरह से, जिस तरह हम पहले करते थे कि एक इलेक्ट्रोलाइट का बाथ हम बनाते थे, एक बीकर लेते थे उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालते थे, एनोड जो है वो हमारा किस्सा बना होता था जो जिस मेटल को हमने प्लेट करवाना है। यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिंक की, तो जिंक जो है उसको हम डिप करवाएंगे और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, और फिर क्या होगा कि हम करंट जब अप्लाई करेंगे तो जिंक कहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, हमारे टारगेट मेटल के ऊपर जो कि कैथोड का बना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील। यूजुअली ये एमसीक्यूज आता है कि टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसके ऊपर यूजुअली की जाती है, तो स्टील के ऊपर की जाती है। अब क्या करते हो कि आप
बाय प्लेसिंग द स्टील कंटेनर इनटू कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन साल्ट. टिन साल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर आप स्टील को इमर्स करते हो, वो स्टील के थोड़ के तौर पे एक्ट करता है और टिन का रोड किसका एनोड के तौर पे एक्ट करता है. ठीक हो गया. द स्टील इज़ कनेक्टेड, फिर आप इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करते हो. ठीक है, स्टील क्या है कैथोड और टिन क्या है आपके पास एनोड आपका. ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड मेड ऑफ मेटल एक्ट एज एनोड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो टिन के मेटल्स क्या करते हैं डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं स्टील के ऊपर. ठीक हो गया.